Hey everyone, this is another video and इस वीडियो में हम करेंगे चैलेंज. Yes, और उस चैलेंज का नाम है पेंटिंग चैलेंज. We will do painting. हम पेपर्स पे पेंटिंग नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के फेस पे पेंटिंग करेंगे. एंड अभी इस चैलेंज के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ. इस चैलेंज में जब तक तीनों की पेंटिंग खत्म नहीं हो जाती तो तब तक किसी ने अपने फेसेस नहीं देखने. तो यस गाइस, हम वैसे स्टोन पेपर से करेंगे पर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ. मैं चाहे आर्या को करूँगी, आर्या कागज की और कागज की मेरी, ऐसा हो सकता है. और ये देखिए हर बार की तरह शिवाय हमें तंग करने आ चुका है. सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि पेंटिंग हम नहीं देखेंगे और पेंटिंग सिर्फ पेंट ही हम एक दूसरे के फेस पे यूज़ करेंगे. हम कोई पेंसिल पेन यूज़ नहीं करेंगे और पेंटिंग को देखेंगे. और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसने किसके फेस पे सबसे अच्छी पेंटिंग की. सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है. सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ. कर लिया है कि हम किसके फेस पे पेंटिंग करेंगे. तो मैं काव्य के फेस पे करूंगी, काव्य दीदी वैष्णवी के फेस में और वैष्णवी मेरे फेस में. सो अब चलते हैं पेंटिंग की तरफ. गाइस, ये थे हमारे कुछ कलर्स एंड ये कुछ ब्रशेस एंड लेट्स बिगिन द चैलेंज. सो गाइस, अब हम पेंटिंग शुरू करते हैं. मुझे लग रहा है डर कि ये पता नहीं क्या करेगी मेरे फेस पे. ओहो आर्या क्या कर रही है. हाँ लग तो रहा है. गाइस यार, सच बताऊं तो आ रहा है, इट रियली लुक्स नाइस. सो गाइस, आप देख सकते हैं इनका मेकअप अभी किया मैंने, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है. बट आप कमेंट करके बताएं. मुझे थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो रही है. सो आप मुझे ही वोट करेंगे. एक्चुअली मैंने इतना सुंदर मेकअप किया है. तो अब हम देखते हैं कि इनका यहाँ पे ना खाली खाली लग रहा है. तो उधर मैं पिंक कलर से ना एक चीज बना रही हूँ, पर वो कागज को नहीं पता लगनी चाहिए. बिकॉज अब मैंने शेड्स कर लिए येलो और रेड के. उसी सेंटर में ना. हाँ अच्छा तो लग रहा है. इसमें कुछ और करने की जरूरत है. अच्छा लग रहा है वैसे इनका मेकअप. थोड़े हाँ स्पॉट्स डाल के. नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा. तो गाइस ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है आई थिंक. सो और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी इसमें. सो दिस इज द कंप्लीट मेकअप ऑफ कावी दीदी. और ये तो मुझे अच्छा ही लग रहा है. जैसे इनकी आई शेडोज ना येलो कलर की बड़ी अच्छी लग रही है. सो काव्य दीदी का मेकअप हो गया कंप्लीट. गाइस काव्य दीदी का मेकअप ना मैंने उनकी ड्रेस से मैचिंग किया था. ऊपर मैंने इनको हेयर बैंड भी दे दिया है जैसे, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है ना रेड और येलो का जो मैंने किया है. और अभी वैष्णवी का होगा मेकअप बाय काव्य दीदी. मेकअप हो गया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पर तब तक मुझे मजा नहीं आएगा जब तक मैं अपना मेकअप देख लूंगी. सो गाइस अब चलते हैं वीडियो की तरफ. एंड ब्लैक कलर से आपने क्या सोचा करने के लिए? मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊंगी. तो अपनी सुंदर मेकअप दिखाना है क्या? चोंच जुटाई आपने पंछी की. गाइस वैष्णव का ये मेकअप हो रहा है, पूरी म्याऊ जैसी लग रही है. और वे अभी शिवाय आके बोल रहा था कि आप कैटी बन गए. और मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे.
पूरी मतलब जैसे प्योर बिल्ली के। अभी ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो चुका है खत्म एंड आप देख के बताइए कैसी लग रही है। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ मुझे नहीं पता, बट देख सकते हैं ब्यूटीफुल मेकअप मैंने काजल का किया, बट यू आर लुकिंग ना प्यारी लग रही है। शिवाय ये कौन है? ये किसकी कैट है? तो शाय की कैट। मुझे दुआ गाइस अब मेरा और वैष्णवी का मेकअप तो हो चुका है, मैं आर्या एंड वैष्णवी के बीच में देखते हैं वैष्णवी आर्या का मेकअप कैसे करेगी। और तो ये देखिए इसको सोच में नहीं आ रहा है, so अभी मेरे को बड़ी मुश्किल से सोच में आया, मुझे नहीं लग रहा वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं आर्या भी प्यारी लग रही है, वैष्णवी तो टाइगर की फैमिली की कैट की फैमिली का क्रिएचर लग रही है। गाइस सी माय मेकअप, मैंने अपने आप को देखा और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा सिंपल सा क्लासिक सा मेकअप है, हार्ट एंड फ्लावर एंड ऑल दैट, आई जस्ट लव इट। एंड गाइस आर्या ने अच्छा किया मेकअप, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अरे क्या बना दिया ये, क्या फिशेस है ये? ये बटरफ्लाई है यार। अरे क्या है, मुझे लगा कुछ अच्छा आ गए तो। तो गाइस ये पूरी बिल्ली लग रही, पता नहीं बिल्ली लग रही है पता नहीं फॉक्स, पर जो भी है मैंने इसके मेकअप अच्छा किया है और आपको अच्छा नहीं किया, अच्छा किया। गाइस प्लीज मुझे वोट करना। सो गाइस वैसे देखा जाए तो ये मेकअप इतना अच्छा नहीं है, बट पता नहीं मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा है। वैसे वैष्णवी ने अच्छा बनाया, बट द थिंग इज कि जो मैंने बनाया वो मुझे सबसे सुंदर लगा, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। मिट्ठू बन रही है, ये है हम तीनों के फेस। Yes guys, so आप प्लीज कमेंट करके बताना किसका अच्छा लगा। वैसे मेरा वोट तो आर्या के मेकअप को जाता है एंड मेरा वोट भी आर्या का मेकअप को जाता है, मेरा वोट भी मेरे ही मेकअप को जाता है। सो गाइज आफ्टर ऑल मैं अच्छी लग रही हूँ। सो गाइज आपको जिसका भी मेकअप पसंद लगा हो या आया हो तो आप उसका कमेंट लिखिएगा कि आर्या मेकअप, वैष्णवीज मेकअप या फिर कावेरीज मेकअप। सो गाइज अब इस वीडियो को करते हैं एंड, और इट वॉज वीडियो। सो अब अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए फनी पार्ट, तो हम लोग जरूर इसमें बहुत ज्यादा लाइक देना और कमेंट भी करना आपको पार्ट टू चाहिए या नहीं चाहिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड बाय।